बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार से। एक पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट ने सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों पर होने वाले अन्याय की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि गरीब लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धूप में सड़क किनारे होकर फल सब्जी आदि बेचते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर 250 रुपए का चालान काटना निंदा का विषय है। साथ ही गरीबों के साथ उत्पीड़न के इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आइए आज चलते हैं मिलते हैं राष्ट्रीय वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज से, जो कि एडवोकेट हैं और काफी वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इनसे मिलते हैं और पूछते हैं, हम जानकारी लेना चाहेंगे। वकील साहब, आप बताएंगे, आप जुड़ चुके हैं हमसे, कि आजकल वर्तमान समय पर ज़्यादातर देखने को मिला है प्रशासन का जो चाबुक चलता है वो ज़्यादातर गरीबों पे ही चलता है। यही सड़क किनारे छोटी मोटी दुकानें फल सब्जी आदि के लगाकर लोग अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। वैसे भी कोरोना कोरोना जो चला था इससे बहुत ही त्रस्त हो गया आदमी, अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है जिंदा रहने का, अपने परिवार को चलाने का। तो सड़क किनारे जो लोग रेडी लगाकर अपना परिवार चलाते हैं उन पर प्रशासन जो कार्रवाई करती है, जैसे चालान वगैरह है या अतिक्रमण का हटाव अभियान है, तो इस संबंध में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या निर्णय ले सकता है या क्या ले रहा है? देखिए, हमारे देश में इस समय जो सरकार है वो मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने संबंधित राज्यों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, उनको हर संभव मदद दी जाए, उनको लोन वगैरह उनका शीघ्र किया जाए ताकि वो अपने रोजी रोटी कमा सकें। रोड के किनारे जो रेहड़ी पटरी वाले ठेली पर लेकर के फल वगैरह की ठेलियाँ लगाते हैं, वो बमुश्किल पूरे दिन में 200-400 रुपए की इनकम कर पाते हैं और उसी से उनका रोजगार चलता है। और ऐसी स्थिति में संज्ञान में आया है कि पुलिस संबंधित रेहड़ी पटरी वालों के जो ठेली लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं रोड से किनारे से अलग किनारे पर, उनके 250 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। इस संबंध में उनको रसीद भी दी जाती है। ये पैसा पुलिस प्रशासन अपने मद में इसको कर रहे हैं जहाँ तक हमारा आइडिया है, क्योंकि रसीद वो जारी कर रहे हैं, लेकिन ये अनैतिक है, असंवैधानिक है। ना तो पुलिस का ये क्षेत्राधिकार है, ठीक है उसको हटाने का क्षेत्राधिकार है, लेकिन वो उनके लिए सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि वो अपनी ठेली को, कोई ऐसा स्थान उनके लिए सुनिश्चित प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर स्थान पर खड़े होकर के अपनी आजीविका को चला सके। इसलिए वो चलती फिरती ठेलियाँ होती हैं, 2-4 मिनट इधर लिए खड़े हो गए तो पुलिस ने उनका चालान काट दिया, उनके लिए वो 250 रुपये बहुत बड़ी कीमत है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।